फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर दिस रोल. मतलब पहली लाइन इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली प्लीज इसके लिए अप्लाई कीजिए. हे गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल. माई नेम इज नितिन सिंह एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एयर अरेबिया which is an airline company is hiring for freshers cabin crew and we are going to talk about all of it. But before I start my video, there are so many people that are watching the video but they are not subscribing, so it's my sincere request that guys please do subscribe. Yahan par hum videos ko with full information shortest possible time mein dalte hain, means we don't make videos prolong, videos lambi nahi banate hain and shortest jitna bhi possible hota hai उसी के अंदर में बना के आपको फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं विद द फुल प्रोसीजर. सो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट लाइक. सो चलिए बिना किसी शोशा के हम इसको शुरू करते हैं. सो गाइज, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिन क्रू कायरो, लोकेशन कायरो. सो यहाँ पर क्लिक करते हैं. पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कैबिन क्रू कायरो लिखा ज़रूर हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. ये कायरो लोकेशन कायरो बेस के लिए है जो कि इजिप्ट में है. इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन. सो वी आर गोइंग टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस लाइक दिस रिक्रूटमेंट. चलिए आगे बात करते हैं. जॉब पर्पज़ में ब्ला 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 ब्ला, आप इसको पॉज करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अप्लाई और पढ़ दोनों सकते हो. यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंशनड है, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स मैंशनड है, यहाँ पर कस्टमर सर्विस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैंशनड है, यहाँ पर क्रॉस चेकिंग एंड रिपोर्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये मैंशनड है. सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे. तो जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ डिप्लोमा और ट्वेल्थ, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर दिस रोल. अ डिप्लोमा इन ट्रैवल टूरिज्म इज़ अ प्लस. ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, फिट टू फ्लाई, हैज़ अ गुड जनरल हेल्थ, प्रेजेंटेबल, फ्रेंडली, डेमोन्स्ट्रेट्स चीयरफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इवन अंडर स्ट्रेस, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंडिंग द कस्टमर नीड्स, फोकस्ड, केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग इरेगुलरिटीज़. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं. यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है. कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो फॉर एक्सपीरियंस है बट नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर दिस रोल. मतलब पहली लाइन इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली प्लीज़ इसके लिए अप्लाई कीजिए. प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ कैबिन क्रू और इन अ कस्टमर सर्विस रोल इन द एयरलाइन एविएशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शैल बी ट्रीटेड एज एन एडेड वैल्यू. मतलब अगर आपके पास है तो वो एक एडेड एडवांटेज है. एक्टिव कैबिन क्रू लाइसेंस इज एन एडवांटेज. अगर आपके पास एक्टिव कैबिन क्रू लाइसेंस भी है वो भी आपका एक एडेड एडवांटेज है. बट यहाँ पे पहली लाइन है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दिस रोल. केपेबल ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट पैटर्न, जैसे कि आपको पता है कैबिन क्रू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो ये सारी मोटा मोटी बातें हो गई हैं हमारी एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ की. अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, अप्लाई करेंगे. और गाइस, मैं आपको ये बता दूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए है. हम आगे बढ़ें उससे पहले, और यहाँ पे दो ऑप्शन हैं. अगर आप चाहें तो आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपकी सारी डिटेल्स को मैन्युअली फिल करके आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई नाउ से, क्योंकि मेरा एक प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और मैं इसको करूँगा अप्लाई नाउ और सारी मैं डिटेल्स भरूँगा मैन्युअली. सो चलिए चलते हैं. बट उसके पहले यार, ये नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो, ये नीचे आपको जो दिख रहा है इसको प्लीज़ दबा दो, अभी के अभी दबा दो. हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है अप्लाई नाउ पे और हम एप्लीकेशन को मैन्युअली भरेंगे. तो अभी ये आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर. यहाँ पे मेरी, जब मैंने पासवर्ड को अपना सेव किया हुआ तो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो जाएगा. बट अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा. बहुत बेसिक डिटेल डाल के आप इसमें आपका कर सकते हो. तो हम आगे जाएंगे अभी साइन इन पे. यहाँ पे मेरा आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो इट विल जस्ट एक्सेप्ट इट ईजिली. तो यहाँ पे इसने कर लिया है एक्सेप्ट और हम आ गए हैं आगे के पेज पर. यहाँ पे डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट ब्ला 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 योर रिक्रूटिंग टीम. तो आप इसको भी पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं. उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, आपको आपका डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, आपको आपका इमेज डालना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करिए आपका, आपका फुल लेंथ कैजुअल जो है आपका फुल लेंथ फोटोग्राफ आपको डालनी है अलग से, और फुल लेंथ फॉर्मल फ़ोटो आपको आपकी डालनी है. फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे.
प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका नाम, लास्ट नेम, नेम एज पर पासपोर्ट, नेशनलिटी, डीओबी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एंड आपका जो है कंट्री वगैरह वगैरह डालना है। उसके बाद में आपको आपका एड्रेस वगैरह सब डालना है। और गाइज आपके पास में ये जैसे आपने मान लीजिए हो गया, उसके बाद आपको आपका डालना है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैंने वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया। जितने भी ये स्टार्ड हैं आपको इनको डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डालना ही डालना है। उसके बाद हम आएंगे फॉर्मल एजुकेशन पे, फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे हमने डाल दी है। फिर हम आएंगे प्रोफेशनल पे, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप वो डालिए। स्पेसिफिक नॉलेज आपकी है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लैंग्वेज स्किल आपकी यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने हैं, जो कि मुझे भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें स्टार नहीं है वो मैं नहीं डालता हूँ, बिकॉज हैव यू, और हम आते हैं सीधा क्वेश्चन एयर पे, हैव यू प्रीवियसली वर्कड एसोसिएटेड विद इन। तो यहाँ पे है मेरा नॉट एप्लीकेबल है मेरा, एन ए डाल देता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पे सेम यहाँ पे भी आपको एन ए डालना है, यहाँ पे भी आपको एन ए डालना है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल मेडिकल, जैसे मेरी हाइट है 175 एंड मेरा वेट है 70, ये आपने डाल दिया। यहाँ पे मैंने अग्री कर दिया है। डू यू हैव एन एक्सपीरियंस एज अ कैबिन क्रू, मेरा नहीं है तो नहीं। हाउ मेनी एक्सपीरियंस एज अ कैबिन क्रू, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने यहाँ ऑलरेडी ना कर दिया है, तो हम यहाँ पे लेस देन 2 ईयर्स लिख देंगे क्योंकि हमारा है ही नहीं। डू यू हैव अ टैटू विजिबल स्कार, तो मेरे को नहीं है तो आई विल पुट नो। फिर इसको मैं कर दूंगा सेव। यहाँ पे लिखा है द ड्राफ्ट एप्लीकेशन वॉज सक्सेसफुली सेव्ड। ओके, सो मैंने एप्लीकेशन दबाया लेकिन ये जो आपको दिख रहा है रेड में आ गया, बिकॉज ये मैंडेटरी है, मैंने बताया स्टार्ट है तो मैंडेटरी है तो मैं नहीं होगा। बाकी जगह पे आप देखो ये ग्रीन टिक सब जगह पे ग्रीन टिक है, बट यहाँ पे रेड है। तो हम यहाँ पे एक क्या काम करेंगे, मैं इसमें एक अपनी फुल लेंथ फ़ोटो अपलोड करता हूँ। और यहाँ पर मेरी जो फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड हो रही है, और जैसे अपलोड हो जाएगी वी विल बी एबल टू जस्ट सबमिट द फॉर्म। और यहाँ पर मेरी जो फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ है वो भी अपलोड हो चुकी है। तो हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से दबाऊँगा अप्लाई, तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है, इट विल डू द एप्लीकेशन। और यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच। So thank you so much for watching this video, and if you like this video please hit the like button. If you haven't subscribed my channel please do subscribe, because I keep on uploading such videos. And don't worry about the confirmation mail, that mail has been the application has been sent. So signing off, thank you so much and have a good day. Jai Hind.